हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं जे एस बिस्ट, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी एट दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। एक बार आपका फिर डीडीए के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर वीकली करंट अफेयर की क्लास आप तक पहुंचती है। जितने भी स्टूडेंट हमारी एकेडमी से जुड़े हैं, YouTube चैनल, अदर टेलीग्राम चैनल, अदर जो भी सोशल चैनल है उससे जुड़े हैं, या फिर कोई अदर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, DDA में नहीं है और हमारे YouTube चैनल को देखता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए और अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए हम वीकली करंट अफेयर लेकर आते हैं, जो पूरे वीक का एक वीडियो के तौर पर आप तक पहुंचाया जाता है। तो आज उसी के रिगार्डिंग सेट नंबर 33 जो इस सेशन का रहेगा वो लेकर आया हूं, और इसमें जितने भी इस वीक के क्वेश्चन होंगे उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, आइए, ज्यादा देर नहीं करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रखा है विच कंट्री इज द होस्ट। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC, जिसको बोला जाता है लीडर्स मीटिंग 2023। क्लियर? यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नेताओं की बैठक 2023 में, 2023 का मेजबान कौन सा देश है? आपके सामने चार ऑप्शन है। अगर हम APEC की बात करते हैं तो APEC का गठन हुआ था 1989 में, इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? सिंगापुर में है, यह भी आपको याद रखना है। तो लिखा है APEC या एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना 1989 में हुई थी। इसके सदस्य देशों या अर्थव्यवस्थाओं के बीच सतत विकास और बेहतर आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच के रूप में यह बैठक की गई, जिसमें कुल 21 सदस्य थे या 21 सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? 21, है ना। यानी इकोनॉमी और डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए, ये सामने लिखा हुआ है, APEC 2023 की बैठक सैन फ्रांसिस्को कहां? USA के अंदर होती है। तो पहले का आंसर क्या होगा? USA। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एटना, ये माउंट एटना क्या है? ये माउंट एटना एक एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, यानी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? इटली में। इटली का एक आइलैंड है सिसली, नाम सुना होगा, सिसली आइलैंड में ये वॉल्केनो है। लिखा है दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक के रूप में मशहूर इटली के माउंट एटना में पिछले साल हुए विस्फोट से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यानी पिछले साल ये एक्सप्लोजन हुआ था, पिछले साल विस्फोट हुआ था और आज भी कंटिन्यू उससे जो है मैग्मा बाहर निकल रहा है और आसपास रहने वाला जो जनजीवन है वह अस्त व्यस्त हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्कारा टनल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल खबरों में है, खासकर अगर उत्तराखंड के बच्चे देख रहे हैं तो यह भी आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। सिल्क्यारा टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी सिल्क्यारा सुरंग जो खबरों में है वो किस राज्य में स्थित है? इस सुरंग में आज अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, लगभग 41 लोग फंसे हैं। ठीक है, और 1 वीक से ज्यादा का वक्त हो गया, ये 41 लोग सुरंग में ही फंसे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक जिंदे हैं। क्लियर? यानी सुरंग का जो पीछे का पार्ट था, आगे तो खुदान हो रही थी, आगे तो काम चल रहा था, जो पीछे का पार्ट था जिसका जो टनल बन चुकी थी वो टूट गई। ठीक है,
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्र मार्ग, जो यमुनोत्री के लिए नेशनल आपका जो है हाईवे जाता है, पर शिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग ढह गई है। सुरंग 1200 करोड़ रुपए की चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जो चारधाम है केदार बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ऑलवेदर रोड है ना, उसी का ही एक पार्ट है। यानी टनल से ही ऑलवेदर रोड जानी थी, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, ये फिगर में आप टनल देख पा रहे हैं, यही वो टनल है जहां पर वो 41 जो लोग हैं, 41 जो मजदूर हैं, वो फंसे हैं और अभी भी सुरंग के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ओबीआई इंक्लूसिव इंडेक्स आउट ऑफ 123 कंट्री, यानी ओबीआई समावेश सूचकांक में 129 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है? तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर देखी गई है, इसमें भारत 117वें नंबर पर है। ठीक है, 117वें नंबर पर है भारत। ठीक है, तो टॉप में कौन है इस पर, टॉप रैंक किसकी है? तो टॉप रैंक है न्यूजीलैंड की। ठीक है, टॉप रैंक किसकी है? टॉप रैंक पर है कौन? न्यूजीलैंड। क्लियर। तो लिखा है सूचकांक कई उपायों का उपयोग करके, जाति हो गया है ना, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया है ना, और आपका यौन हो गया, अभी विन्यास, विकलांगता और सामान्य जनसंख्या के संदर्भ में समाविष्टता की जांच करता है। रिपोर्ट सूचकांक राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट ओबीआई द्वारा प्रकाशित किया गया था। अमेरिका का ये इंस्टीट्यूट है जिसको शॉर्ट में बोला जाता है क्या, ओबीआई। इसने जो है इस इंडेक्स को जो है रिलीज किया था। ठीक है, जिसमें इंडिया किस पोजीशन पे है, 117वीं रैंक पर है, लगभग 40 पॉइंट समथिंग इसको मार्क मिले हैं, तो 117 रैंक पर है। टोटल कंट्री 129 हुआ करती थी इस आपका जो है इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लाइटिंग 22.23 लाख, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना, 22.23 लाख अर्थन लैंप्स ऑन द एब ऑफ दिवाली। ठीक है, यानी किस शहर में दिवाली की पूर्व संध्या पर, इवनिंग ऑफ दिवाली बोला, दिवाली की पूर्व संध्या पर 22.23 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड, मतलब इतने लाख दीपक जलाए गए। आपको नजर आ रहा होगा ये जो लाइटिंग दिख रही है, ये पूरे के पूरे ये दीपक जले हैं, ये सारे के सारे जो है दीपक हैं। क्लियर, तो 22.23 लाख मिट्टी के दीपक जलाए गए इस दिवाली पर 2023 में। क्लियर, लिखा हुआ है 2022 में राम की पैड़ी के घाटों पर 17 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए थे 2022 में। सरयू नदी के तट पर स्थित इस शहर में दिवाली के पूर्व संध्या पर दीपोत्सव समारोह के दौरान अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी 2022 में लगभग 17 लाख थे, 2023 में 22.23 लाख हो गए। कहां? अयोध्या में। राम की भूमि कहां है? अयोध्या। तो अयोध्या में जो है ये विश्व रिकॉर्ड, पहले भी हमारे नाम था, उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जो है एक बार फिर है ना अपने नाम पर इस रिकॉर्ड को बनाए। नेक्स्ट लिखा है, नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी एसोसिएट विद विच स्टेट और यूटी। क्लियर, यानी नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन और रिसर्च सिटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, क्लियर हुई बात। तो यहां नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन क्या है, कर्नाटक सरकार का लक्ष्य है कि बेंगलुरु से बाहर, जो बेंगलुरु है उसके बाहरी इलाकों में प्रस्तावित है ना खीर सिटी है ना, नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च, जिसको शॉर्ट में खीर नाम दिया जाए, सिटी में 80,000 नौकरियां पैदा करने के अलावा वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं, नवाचार और ज्ञान के क्षेत्रों में 40,000 करोड़ रुपए का क्या करना है, निवेश करना है। तो कर्नाटक सरकार ने किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए कर्नाटक है ना, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है,
एबडेंस हु इज द सिंगर ऑफ एबडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग विच हैज बीन है ना नॉमिनेटेड फॉर द ग्रेमी अवार्ड। यानी एबडेंस इन मिलेट्स गीत के गायक कौन है जिसे ग्रेमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है और पिक्चर में आप देख भी पा रहे हैं है ना, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी के फैंस है एंड फैन सॉन्ग विद ग्रेमी विनर फालू है ना, कौन फालू यानी फाल्गुनी शाह, फालू का मतलब फाल्गुनी शाह। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, फाल्गुनी शाह। भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव शाह द्वारा गाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है। किस पर आधारित है, इंडिया के अभी जो प्रेजेंट आपका प्राइम मिनिस्टर है उन पर आधारित ये सॉन्ग है ना, एबडेंस इन मिलेट्स को 2024 ग्रेमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामित किया गया। ये आपको याद होना चाहिए। और इस सॉन्ग की जो है क्या है, गायक है फाल्गुनी शाह। क्लियर हुई बात, कौन है, फाल्गुनी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नेशन फूड प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली एसोसिएट विद विच कंट्री। कॉर्नेशन फूड प्रोजेक्ट जो हाल ही में खबरों में देखा गया था वो किस देश से संबंधित है। तो कॉर्नेशन फूड प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम यूके से संबंधित है। और यहां लिखा है किंग चार्ल्स को उनके 75वें जन्मदिन पर, कौन से जन्मदिन पर, 75वें जन्मदिन पर बिग इशू पत्रिका के कवर पर दिखाया जाएगा जहां वह अपना कॉर्नेशन फूड प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पेश करेंगे जिसका उद्देश्य खाद्य असुरक्षा से निपटना और अधिशेष भोजन की बर्बादी को कम करना। यानी जो हम खाते तो हैं लेकिन खाते कम हैं, फेंकते ज्यादा हैं, कहने का मतलब है, जिसका आधिकारिक लॉन्च 14 नवंबर को हुआ है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के बीच खाद्य असुरक्षा से निपटना और अनावश्यक भोजन की बर्बादी की समस्या को कम करना। यानी जो जरूरतमंद है जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, कहने का मतलब है उनको भी भोजन मिलना चाहिए और जो बर्बाद कर रहे हैं उनके बीच एक संतुलन कायम करना है कि भाई भोजन की बर्बादी कम से कम की जाए। नेक्स्ट लिखा है, विच स्टेट पास अ बिल विच इंक्रीज द टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 75। एक राज्य ने एक बिल पास किया और उस राज्य में जितने कैटेगरी रिजर्वेशन के अंदर आती है उन सबको मिलाकर उस राज्य का रिजर्वेशन कितना पहुंच गया, 75% पहुंच गया है। कितना परसेंट, 75%। लिखा है बिहार रिजर्वेशन बिल है ना, बिहार क्रॉस्ड यानी जो रिजर्वेशन लिमिट थी यहां की है ना, वो राइज करके कोटा कहां तक पहुंच गया, 75% तक है ना। तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट होगा जिसने अपना रिजर्वेशन कोटा 75% तक कर दिया है। बिहार विधानसभा ने पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65 करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है। 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS कोटा के साथ अब विधेयक कहां पहुंच गया, ये 75%। यानी EWS को छोड़ दिया जाए तो कोटा है वहां का कितना परसेंट, 65%, और 10% EWS का लगा लो तो यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यानी जनरल कैटेगरी के में जो आते हैं 10% उनको मिलता है तो पहुंच गया वहां का कोटा कितना, 75%। नेक्स्ट लिखा है, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन November 10। यानी 10 नवंबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिन का विषय, विज्ञान में विश्वास बनाना, विज्ञान में विश्वास बनाना है, याद रखना विज्ञान में विश्वास बनाना है। कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 नवंबर को और इसकी थीम दे रखी है विज्ञान में विश्वास बनाना है, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। क्लियर,
यानी यहां पर है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये इस दिन शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है ना, विश्व विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। क्लियर, शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस की थीम थी विज्ञान में विश्वास बनाए रखना है या विश्वास बनाना है। आंसर होगा क्या? आंसर होगा बी। क्लियर, यहां लिखा है, थोड़ा सा इसको देख लें कि यहां पर इसके बारे में क्या लिखा है। इसके बारे में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह प्रत्येक वर्ष 9 से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। इसे पहली बार 1986 में मनाया गया था। क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इस सप्ताह की घोषणा 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। क्लियर हुई बात। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2023 10 नवंबर को मनाया गया है। वैसे तो 9 से 15 नवंबर के बीच में मनाया जाता है और 2023 का 10 नवंबर को मनाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखा है अपार, विच वॉज सीन इन द न्यूज इज रजिस्ट्री एसोसिएट विद विच फील्ड। खबरों में देखी गई अपार किस क्षेत्र से जुड़ी एक रजिस्ट्री है, किस क्षेत्र से है? व्यापार से है, शिक्षाविद से है, खेल से है या वित्त से है, बिजनेस है, एकेडमिक्स है, स्पोर्ट्स है और फाइनेंस है। तो अपार जो एक प्रकार के वन नेशन वन आईडी का काम करता है, ये आपको याद होना चाहिए। वन नेशन वन आईडी का काम करेगा खासकर स्टूडेंट के लिए, यानी एकेडमिक्स के फील्ड से ये आपका अपार जुड़ा हुआ है। यानी अपार ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट है, अकाउंट रजिस्ट्री का संक्षिप्त रूप है ना। भारत में कम उम्र से ही सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई एक विशेष पहचान की प्रणाली है। यह पहल वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का कार्यक्रम का हिस्सा है। ये 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लिया गया है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, याद रखना अपार क्या है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का काम करेगा, यह है ना, आपकी जानकारी जो है सुरक्षित रखी जाएगी, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया आउटर टुक है ना बैंगो सागर 2023 एंड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज विद द नेवी ऑफ विश कंट्री। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बैंगो सागर 2023 समझेगा और कोपार्ट का अभ्यास किया है। बैंगो सागर यानी बांग्लादेश तो होगा, बैंगो से बांग्लादेश बन गया है, यानी बांग्लादेश के साथ भारतीय नेवी ने जो है बैंगो सागर और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज की है। द्विपक्षीय अभ्यास है, बैंगो सागर 2003 का चौथा संस्करण है। कौन सा एडिशन है? फोर्थ एडिशन है, यह भी आपको याद रखना है। भारतीय और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच ये समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट का पांचवा संस्करण बंगाल की खाड़ी में उतरा, यानी बैंगो सागर का फोर्थ संस्करण और कॉर्पोरेट का फिफ्थ है। तो आपका आंसर होगा इसमें बी। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट रॉबर्ट सीईओ, वर्ल्ड फर्स्ट रॉबर्ट सीईओ यानी विश्व का पहला रॉबर्ट सीईओ का नाम क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, उसका नाम क्या है? तो याद रखना, जैसे कि आप देख रहे हैं मीका, क्या है मीका, मीका पहली सीईओ है। और याद रखना कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित एक स्प्रिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका को नियुक्त किया है जो एक रोबोट के रूप में प्रकट होता है। हैंसन रोबोटिक्स ने लोकप्रिय ह्यूमनाइड रोबोट सोफिया भी बनाई है। उन्नत एआई और मशीन लर्निंग है ना एल्गोरिथम के साथ मीका तेजी से और स्टिक रूप से डेटा को संचालित निर्णय लेने का दावा करता है। तो पहला रोबोट सीईओ कौन है? मीका, याद रखना ठीक है। और ये कहां? कोलंबिया में ये डिसाइड हुआ है, याद रखना। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट लिखा है एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है ना, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा है, विच कंट्री अकाउंटिंग फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस केसेस इन द वर्ल्ड 2023। यानी 2023 में एक रिपोर्ट मिली है
कि 2022 तक दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी के मामले, जिसको हम क्या बोलते हैं, तपेदिक के मामले किस देश में सामने आए हैं, तो इसमें सबसे टॉप तक है कौन, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं 27% पर है टॉप में कौन, इंडिया। इंडिया सबसे टॉप में है, याद रखेंगे, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है कि वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के तपेदिक और सबसे अधिक मामले भारत में सामने आए हैं, यानी 27% टोटल मामलों का भारत में टीबी के मरीज है। क्लियर? तो हमारे लिए चिंता का विषय है। और बाकी देखो, चाइना में 9%, इंडोनेशिया 8%, फिलीपींस 6%, पाकिस्तान 6, नाइजीरिया 4 है, बांग्लादेश 4 है, और साउथ अफ्रीका में 3% मामले हैं। नेक्स्ट लिखा है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट यानी कौन सी संस्था ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है। तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है किसने, UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNEP ने ये गैप रिपोर्ट जारी की है। नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसमें चेतावनी दी गई कि अगले 7 वर्षों में, क्लियर, वैश्विक जीवाश्म ईंधन, वैश्विक जीवाश्म ईंधन मतलब ग्लोबल फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, क्लियर, 2015 पेरिस जलवायु समझौते में उल्लेखित जलवायु लक्ष्य के भीतर रहने के लिए आवश्यक स्तर से दुगुना अधिक होने का अनुमान है। यानी 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उसमें जो टारगेट रखा गया था कि इससे कम है ना हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे, ये इससे डबल पहुंच गया है। कहने का मतलब है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य भी शामिल है, और COP28 जलवायु सम्मेलन की प्रत्याशा में रिपोर्ट जारी की गई। यानी जो 2028 में होने वाला समझौता है उसी के चलते ये रिपोर्ट जारी की गई थी। ग्लोबल जो वार्मिंग थी उसमें 1.5% गिरावट जो तय की गई थी उसमें ये गिरावट भी कहीं ना कहीं अब कम होते हुए नहीं दिख रही है। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च ब्रांड ऑफ नेशनल कॉरपोरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ठीक है, यानी नेशनल कॉपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के हाल ही में लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अमित शाह द्वारा जो है ये ब्रांड लॉन्च किया गया है, भारत ऑर्गेनिक्स। ठीक है, क्या है, भारत ऑर्गेनिक्स। तो आंसर इसका क्या होगा, भारत ऑर्गेनिक्स के नाम से जो है ब्रांड लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2023 तक बाजार में इसके 20 उत्पाद होंगे। दिसंबर 2023 तक इसमें 20 जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलेंगे, मौजूद होंगे। NCOL किसी भी फसल के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य पर अर्जित लाभ का 50% सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा। जो MSP निर्धारित किया जाएगा उसका 50% सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा संगठन के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। बाकी हिस्सा देना होगा उस संगठन के विकास के लिए। इतनी बात क्लियर हुई? तो उस ब्रांड का नाम क्या होगा, भारत ऑर्गेनिक्स। नेक्स्ट लिखा है, कोटा ऑफ स्पेशल ड्राइविंग राइट्स SDR विच इज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएट विद विच इंस्टीट्यूशन। खबरों में दिख रहा विशेष आहार अधिकार कोटा, विशेष आहार अधिकार कोटा यानी SDR किस संस्था से संबंधित है, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स किस संस्था से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा किससे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको एस्टैब्लिश किया गया था कब, 1969 में। तो इसका आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यक्रम या कार्यकारी बोर्ड ने सदस्यों को उनके मौजूद कोटा के अनुपात में आवंटित कोटा में 50% की वृद्धि करने का प्रस्ताव को मंजूर दिए। कितना परसेंट, परसेंट भी पूछ सकता है, 50% याद रखेंगे। ठीक है,
कोटा की 16वीं सामान्य समीक्षा के समापन के हिस्से के रूप में अब इस प्रस्ताव पर बोर्ड अपना गवर्नेंस द्वारा विचार किया जाएगा और इसकी या इसे प्रभावी बनाया जाएगा। ठीक है, वर्तमान समय में भारत के पास जो है विशेष आहार अधिकार है एसडीआर का, वर्तमान में अगर भारत के कोटे की बात करेंगे तो लगभग 13,01,144 मिलियन है, जो 2.75% की हिस्सेदारी को दर्शाता है। यानी भारत एसडीआर में 2.75 हिस्सा रखता है, इसे आईएमएफ के 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक माना जाता है। यानी भारत आईएमएफ का 8वां सदस्य है सबसे बड़ा, जो कोटा रखने का सबसे बड़ा आपके सदस्यता को दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज पुल्ड आउट ऑफ द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक शस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया, पारंपरिक शस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है, यानी नाटो ने इसको बाहर कर दिया है। नॉर्थ अटलांटिक है ना काउंसिल जो स्टेटमेंट है ना बात करेंगे तो कौन सा देश यहां से बाहर हुआ है, तो यहां पर लिखा है रशिया। कौन सा देश होगा, रशिया इस ट्रीटी से बाहर हो गया है। तो लिखा है यहां पर नाटो ने रूस के सौदे से बाहर निकलने के जवाब में शांति युद्ध युग की एक प्रमुख सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। नाटो ने किसको बाहर कर दिया, रशिया को। नाटो के 31वें सहयोगियों में से अधिकांश ने यूरोप में पारंपरिक शस्त्र बलों की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना इकट्ठा करने से रोकना था। नवंबर 1990 में इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे। तो नाटो ने किसको बाहर कर दिया इस ट्रीटी से, रशिया को, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हेलियोस, हेलियोस आई है हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर विच वॉज सीन इन द न्यूज एसोसिएट विद विच कंट्री, यानी हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर, हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है। ये एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा स्पेक्ट्रोमीटर का, ये है ना स्पेक्ट्रोमीटर दिख रहा है ये, तो किस देश से संबंधित है, ये इंडिया से संबंधित है। और इंडिया में भी हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है, इंडिया में भी जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, इसरो से संबंधित है। क्लियर हुई बात, इतना समझ में आया, ये किससे संबंधित है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और लॉन्चिंग पैड है कहां, लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। तो यहां क्या लिखा है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उल्लेख किया कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर सवार उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है ना ने 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली अपनी पारंपरिक अवलोकन अवधि के दौरान सौर ज्वाला, सौर ज्वाला यानी सौर जो ज्वालाएं होती है, यानी सौर ज्वाला का मतलब हो गया आपका जो सन से निकलने वाली या किसी भी आपका जो है सेलेस्टियल पार्ट से निकलने वाली जो एक प्रकार से फ्लेयर्स होती है। क्लियर हुई बात, है ना, सौर ज्वालाओं में आवेगपूर्ण चरण को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। हेलियोस को 27 अक्टूबर 2002 चालू किया गया था और वर्तमान में यह अपनी थ्रेशोल्ड और कैलिब्रेशन संचालन को ठीक करने की प्रक्रिया में है। इस उपकरण को तीव्र समय और उच्च रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा के साथ सूर्य की उच्च ऊर्जा एक्सरे गतिविधि की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसा कि इसरो ने कहा है। क्लियर हुई बात, तो याद रखना स्पेक्ट्रोमीटर इसरो का ही आपका एक प्रकार से जो है यंत्र है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, किस इंस्टीट्यूट ने जो है एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया है 2023 में, ठीक है, सॉरी 2024 के लिए। तो आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर, इसने जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019 से लेकर 21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले आबादी का हिस्सा 25% से गिरकर कहां पहुंच गया है, 15%, यह भी आपको याद रखना है, 25 से 15 पहुंच गया है।
और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत उच्च आय और धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है। आय में और धन की असमानता है, जिसमें जो है डिफेंस बहुत ज्यादा है। भारत में 2000 और 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? $442 से बढ़कर $2,399 हो गई है। और ये इसमें महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? 23% है। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री टू हैंडल 16 मिलियन मैट्रिक टन्स MMT ऑफ कार्गोस इन अ मंथ। एक मंथ में कितना कार्गो? 16 मिलियन। ठीक है, तो कौन सा 16 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह है और देश का पहला प्राइवेट बंदरगाह है? याद रखना, निजी बंदरगाह है, प्राइवेट बंदरगाह है। तो आंसर इसमें दे रखा है, जैसे आपके सामने लिखा है, मुंद्रा बिकेम्स इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। ठीक है, तो कौन सा है? मुंद्रा है। ये मुंद्रा जो पोर्ट है ये कहां है? बे ऑफ कच्छ में है, बे ऑफ कच्छ। तो ये बे ऑफ कच्छ कहां है भाई? बे ऑफ कच्छ कहां है? कच्छ की खाड़ी कहां है? गुजरात में। ठीक है, तो लिखा है मुंद्रा पोर्ट का स्वामित्व तो अडानी समूह के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समूह ग्रुप के पास है? अडानी ग्रुप का है ये। यह अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रमुख है। इसकी प्रति वर्ष 338 MMT कार्गो संभालने की क्षमता है, जो भारत के सभी परिचालन बंदरगाहों में से सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कैपेसिटी अगर कार्गो की है तो मुंद्रा पोर्ट है, अडानी ग्रुप का है और बे ऑफ कच्छ में है और कहां है? प्राइवेट पोर्ट है भारत का, याद रखना। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपिंग, यानी किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? ठीक है, महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है, तो आपका आंसर है इसमें कौन? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। लिखा है इसमें, क्या लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में? कहा है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत पानी के लिए महिला और महिलाओं के लिए पानी अभियान शुरू किया है। पानी के लिए महिला और महिलाओं के लिए पानी अभियान शुरू किया है। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था और ओडिशा अर्बन एकेडमी नॉलेज पार्टनर है इसका। कौन? ओडिशा अर्बन एकेडमी नॉलेज इसका क्या है भाई? पार्टनर है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन है ना स्टैंडर्डाइजेशन एकेडमी 2024। विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा 2024 का मेजबान कौन सा देश है? ठीक है, कौन सा देश है इसका? तो आंसर होगा इसमें इंडिया। इसका क्या है? इंडिया। लिखा है हर 4 साल में आयोजित विश्व दूरसंचार मानवीकरण। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कितने समय के अंतराल में होता है? 4 साल में होता है। सम्मेलन है जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इस तरह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 3 विश्व सम्मेलनों में से एक, यानी जो यूएनओ के 3 सम्मेलन होते हैं, 3 कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें से एक कौन है? वर्ल्ड आपका टेलीकम्युनिकेशन है ना। और इस साल 2024 में कहां होने वाला है? भारत में होने वाला है। क्लियर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट लिखा है साइमा वाजिद, ठीक है, लिखा है आपके पास, लिखा है ऊपर साइमा वाजिद द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन इन फ्रॉम विच कंट्री। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप साइमा वाजिद को, यानी साइमा वाजिद किस कंट्री से है जो कि अब है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र के लिए अगली क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित की गई है? तो यह है बांग्लादेश। कहां से बिलोंग करेगी? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना की बेटी का नाम है साइना वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में, यानी रीजनल डायरेक्टर है ना के रूप में इलेक्ट किया गया है। किसको? साइमा वाजिद को। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट लिखा है
वेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 3 नवंबर को मनाया जाता है, यह आप याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र है जो पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए है, है ना, यानी वेजिटेशन वनस्पतियों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए, मनुष्य अपनी आजीविका गतिविधियों के लिए भी इस संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भर है, यानी जो लोग जो है इन क्षेत्रों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। 134 देशों में 738 बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना। 134 देशों में कितने हैं टोटल? 738 है, और भारत में कितने हैं? 18 अधिसूचित बायोस्फीयर मौजूद है, भारत में कितने हैं? 18, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट लिखा है, विच कंट्री इज फंडिंग इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट एंड प्रोमोटेड फूड सिक्योरिटी एंड उत्तराखंड, यानी कौन सा देश भारत में हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है? हंगर प्रोजेक्ट का मतलब है भूखे जो मरने वाले लोग हैं, है ना, उनके लिए जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, है ना, वित्त पोषित कर रहा है, और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को, और उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये उत्तराखंड के प्रोडक्ट है, इनको बढ़ावा मिल रहा है, क्लियर। तो आंसर होगा क्या? नॉर्वे। आंसर क्या होगा इसका? नॉर्वे इस काम को कर रहा है। तो लिखा है, नॉर्वे भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करने में मदद करेगा और उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला नेताओं को मजबूत करने में भी मदद करेगा। यहां की जो महिला नेता हैं उनको भी जो है मजबूत करेगा। 44.7 मिलियन के बजट के साथ परियोजना की अवधि सितंबर 2026 तक 3 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? इस स्कीम का जो आपका टेनियर है, इस स्कीम का जो आपका क्या है, इस स्कीम का जो आपका टाइम पीरियड है वो लगभग कितना साल है? वो लगभग है 3 साल का है। लिखा हुआ यहां पर कितने साल का है? 3 साल का है, क्लियर हुई बात? इतना समझ में? तो 3 साल का है 2026 तक। और यहां लिखा है, परियोजना में वन पंचायत, है ना, मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित होगा और निर्वाचित महिलाओं प्रतिनिधियों और संघों के भी के लिए क्षमता निर्धारण की भी एक ट्रेनिंग पीरियड का आयोजन इसमें कराया जाएगा, है ना, प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जाएगा, क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बैक द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023, यानी किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और केरला ऑनर्ड विद द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023, यानी केरल राज्य ने जो है ये अवार्ड अपने नाम किया है, क्लियर हुई बात? तो इसमें क्या लिखा है, केरल राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित अपनी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है। तो यह आपको याद रखना है, बाकी इसके बारे में जो आगे लिखा है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, कौन सा शहर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मेजबान है? इंपॉर्टेंट है, मुंबई, न्यू दिल्ली, वाराणसी और गांधीनगर, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो मेजबान सिटी है वो है कौन? नई दिल्ली। और 3 से लेकर 5 नवंबर तक जो है ये प्रगति मैदान में जो है इसका आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान पीएम 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह को प्रारंभिक पूंजी सहायता वितरित की और फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया। आयोजन का पहला संस्करण हुआ था 2017 में, यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 दिल्ली में हुआ, लेकिन इसका जो पहला आपका संस्करण हुआ था, पहला एडिशन हुआ था, वो 2017 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज 2023 एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, किस संस्था ने 2023 में एडेप्टेशन या अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था ने? वर्ल्ड बैंक है, यूएनईपी है, आईएमएफ है या डब्ल्यूईएफ है? तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की अगर 2023 की बात करेंगे तो ये जारी की है
किसने? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने। क्लियर हुई बात? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये जारी की गई है। और यहां लिखेंगे एज पर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ एडेप्टेशन गैप यू 2020 रिलीज बाय, सॉरी वर्ल्ड बैंक नहीं है, इसका आंसर है यूएनईपी, लिखा है ना यूएनईपी। क्लियर? यूएनईपी ने जारी की है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट है ना, कंट्री ने जो है इसको जो है रिलीज किया है। तो आपका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। न्यूनतम संस्करण के अनुसार विकासशील देशों और समर्थ अनुकूल कार्य करने के लिए इस दशक में हर साल कम से कम 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। कितना इस पर खर्च किया जाएगा? 215 अमेरिकन डॉलर। तो किसने इसको जो है रिलीज किया है इस रिपोर्ट को? आंसर होगा यूएनईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट क्लाइमेटिक सर्विसेज इज एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन? स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज किस संस्था द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट है? तो स्टेट क्लाइमेटिक अगर हम सर्विसेज की बात करेंगे तो यह है आपका WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। जलवायु सेवाओं की स्थिति पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वार्षिक रिपोर्ट स्वास्थ्य के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। क्लियर? रिपोर्ट तेजी से गंभीर मौसम की स्थिति, बिगड़ती वायु गुणवत्ता और संक्रामक रोगों के बदलते पैटर्न और खाद्य और जल सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की सहायता के लिए अनुकूलित जलवायु संबंधित जानकारी और सेवाओं को महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देती है। ठीक है, कि मौसम में होने वाले परिवर्तन, बिगड़ती हुई स्थिति का पता लगाने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो आज के जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके सामने हमने रखे हैं, और इनको अच्छे से आप भी एक बार फिर से पढ़िएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर है ना, जितना बताया गया है उतना आप हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।